हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वैक्सीन पार्ट फोर्थ के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो पोल्ट्री होती है, कि जो मतलब ब्रॉयलर होती है या लेयर होती है, उसके वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है, एज क्या होती है, रूट क्या होता है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो मतलब ब्रॉयलर या लेयर होती है, तो उसकी जो पहली वैक्सीन होती है वो मरेक्स डिजीज के लिए लगती है, यानी कि MD के लिए वैक्सीन लगती है। इसका जो डोज होता है 0.2 ml, इसको हम लोग सबकट लगाते हैं। सबकट या इंट्रामस्कुलर दोनों तरीके से दे सकते हैं। मतलब जब आपका हैचर से मतलब चिक्स निकलता है, जो चूजा होता है, पहले ही दिन उसको ये वैक्सीन मरेक्स डिजीज की लगाई जाती है। फिर हम बात करते हैं दूसरी वैक्सीन की। दूसरी वैक्सीन रानी खेत की लगाई जाती है। रानी खेत के लिए जो इसके डोज होता है, इसको हम लोग एक ड्रॉप रानी खेत की जो वैक्सीन होती है, एक ड्रॉप जो चिक्स होता है उसके आँख में या दे सकते हैं, या उसके नोस्ट्रल जो नाक होती है उसमें आप उसको डाल सकते हैं, या फिर ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसमें हम लोग ये वैक्सीन देते हैं। जो इसकी एज होती है, इसको 7 डेज में लगाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी वैक्सीन की। तीसरी वैक्सीन IBD गम्बोरों के लिए लगाई जाती है। इसको भी हम लोग सेम तरीके से देते हैं, एक ड्रॉप उसके आँख में या नोस्ट्रिल में दे सकते हैं, या ड्रिंकिंग वाटर जिसमें मुर्गी पानी पीती है उसमें हम यह वैक्सीन देते हैं। इसका मतलब जो डोज मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसकी एज की। तो इसको हम लोग 14 वीक मतलब 14 दिन में लगाते हैं, 14वें दिन में।